नमस्कार टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ एक तरफ नशा तस्कर बोवाइन स्मगलर पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं पर अगर जम्मू की बात करें मानव तस्करी का मामला भी सामने आया है। ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरह के मामले सामने आए कि बाहर विदेशों से यानी या बात करें बाहरी राज्यों से जो नाबालिग बच्चियों को लाकर उसे घाटी में भेजा जाता है। अभी तक की जो खबर अगर कल की बात करें तो कहीं ना कहीं बताएंगे पश्चिम बंगाल के युवक के साथ पकड़ी दो यानी बांग्लादेशी नाबालिग बच्चियाँ, वो किस तरह से पहुँची, क्यों नहीं लाया गया, पूरी खबर हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे जम्मू जिले के एक बार फिर से बताएंगे नाबालिग को बेचने का मामला सामने आया। इस बार रेजिडेंसी रोड इलाके में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक को 2 17 वर्षीय नाबालिग लड़कियों के साथ बांग्लादेशी लड़कियों के साथ पकड़ा है। आरोपित का दावा है कि वह इन्हें लड़कियों की शादी करवाने के लिए उन्हें कश्मीर घाटी में ले जा रहा था। पुलिस ने मानव तस्करी के यानी कि मानव तस्करी के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पता चला कि एजेंट को युवतियों को पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये दिए हुए थे। पुलिस जांच कर रही है। सिटी पुलिस थाने के में आरोपित नीतीश विश्वास पुत्र नील कमल विश्वास निवासी गांव दादिया हुमनिया पोर्ट पश्चिम बंगाल के विरुद्ध अपहरण मानव तस्करी से जुड़ा मामला दर्ज कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बताना चाहेंगे आपको, मंगलवार रात को पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक व्यक्ति शहर की रेजिडेंसी रोड में एक होटल की बुकिंग कराता है और जिसमें दोस्त के साथ ये नाबालिग लड़कियां होती हैं। उसे पहचान पत्र देने को कहा जाता तो उसने अपना भारतीय आधार कार्ड दिया, पर जब उन बच्चियों के लिए उन्होंने कहा उसे आधार कार्ड या उनकी पहचान पत्र मांगा, जिसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, जिस पर होटल कर्मचारी स्टाफ को शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचित किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। भारतीय भाषा बोलने में सक्षम नहीं थी तो पुलिस ने जो यानी कि भारतीय भाषा बोलने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने बांग्ला भाषा को समझने वाले एक व्यक्ति को वहां पर बुलाया। लड़कियों ने उसे बताया कि नीतीश विश्वास उनकी शादी करवाने की बात कहकर उन्हें जम्मू से रेलगाड़ी से लेकर आया, उसके बाद उन्हें आगे कश्मीर में ले जाया जाना था। जांच के दौरान पता चला है कि सुबह रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आनी थी जिसमें दोनों को बिठाकर एजेंट ने वापस ले जाना था। उसके पिछले एजेंट की तरफ से सुबह गाड़ी के नंबर को दिया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बताना चाहेंगे बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए बने कैंप नंबर 17 में परिवार के साथ रहती हैं ये लड़कियां। उन्हें भारत में शादी करवाने की बात कहकर बांग्लादेश का रहने वाला यानी व्यक्ति भारत में लाया और उन्हें नीतीश विश्वास को सौंप कर चला गया। आरोपित को तुरंत पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है। पुलिस आरोपित नीतीश के संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसमें पूर्व भी क्या वह लड़कियां को शादी के नाम पर झांसा देकर बेचने का काम तो नहीं करता था। इस मामले में कुछ और बातों का पता चला है, उस पर पुलिस काम करने में लगी हुई है। कश्मीर से आने वाली गाड़ी के बारे में भी पूरी तरह से सुराग लगाया जा रहा है। यह बड़ी खबर जो जम्मू के रेजिडेंसी रोड से आ रही है कि अब लोगों ने हथकंडे बनाए कि बाहरी राज्यों से लड़कियां लाकर उन्हें यहां बेचने का काम यानी मानव तस्करी का काम कर रहे हैं। और यह बताना चाहेंगे यह व्यक्ति जो था इसे एजेंट ने इस व्यक्ति को सौंपा था ये काम कि उसने इन लड़कियों को यहाँ से घाटी तक पहुंचाना था और इसके लिए इसे 10,000 रुपया यानी इसकी मेहनताना मिला था कि उन बच्चियों को पहुंचाने का। पर जब रेजिडेंसी के होटल में ये दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ जब लड़कियों के साथ वहाँ पहुँचता है तो होटल वाले, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि जम्मू में किस तरह से हाई अलर्ट के चलते हर एक होटल को हर एक घर को ये हिदायत दी गई, अगर कोई किराए का मकान में अगर किराएदार रखता तो उनकी जानकारी पुलिस को, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई भी होटल में रहने आता है या आपका होटल किराए पर लेता उन्हें पूरे अपना यानी कि प्रमाण पत्र देना होगा, अपने जो यानी कि आइडेंटिफिकेशन बतानी होगी, उनके जो कागजात जमा करवाने होंगे। इसी के चलते जब होटल ने उनसे ये कहा, होटल मालिकों ने कहा कि आप यानी कि अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति था जो उन दोनों युवतियों को लेकर आया था उसने अपना आधार कार्ड तो भारतीय आधार कार्ड दिया, पर उन बच्चियों को जब प्रमाण पत्र मांगा गया उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगा गया तो वो कहीं ना कहीं उसने नहीं दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं, जिसके चलते होटल एडमिनिस्ट्रेशन को शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और जब पुलिस ने उन्हें आकर पूछताछ की उस व्यक्ति को जब यानी कि डिटेन किया और उसे पूरी तरह से
पूरी छानबीन की, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक एजेंट के माध्यम से इन बच्चियों को घाटी में पहुंचाने के लिए यानी कि 10,000 रुपये दिए गए थे और इन बच्चियों को ये कहकर इन लड़कियों को वहां से लाया था कि इनकी शादी में शादी जाकर करवाएंगे घाटी में। उसी से इन्होंने कहा कि उन बच्चियों से जब पूछा गया, क्योंकि उन्हें बांग्लादेशी भाषा आती थी, उन्हें हिंदी या हमारी भाषा समझ नहीं आ रही थी, फिर पुलिस ने एक बांग्लादेशी समझने वाले व्यक्ति को वहां पर लाया जिससे उन लड़कियों ने बात की और लड़की ने पूरा खुलासा किया कि इन्होंने शादी करवाने के लिए हमें लाया था, जिन्होंने यानी कि रेलवे स्टेशन से यहाँ पर लाया था और उसके बाद एक गाड़ी और आनी थी जिन्हें हमें घाटी तक लेके जाना था। ये फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। अब ये हो सकता है कि जब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जाँच होगी, पूछताछ होगी, हो सकता है इसमें खुलासा हो रहा है कि क्या पहले भी पुलिस इस पर भी जाँच कर रही है, इस पर भी पूरा यानी कि नज़र रखे हुए कि क्या इससे पहले भी कि लड़कियों को यहाँ पर लेकर उनकी मानव तस्करी करते थे, लड़कियों को बेचने का काम करता था, या इसमें और कौन कौन लोग हैं, पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे सिटी जो पुलिस स्टेशन है उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि होटल जो थे होटल रेजिडेंसी होटल में जिन होटल मालिकों ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को तुरंत शक होने पर उन्होंने खबर दी थी, और हो सकता था अगर शक ना होता तो कहीं ना कहीं ये लोग भी यानी कि इसमें अपनी जो इस जो चाल थी इसमें कामयाब होते तो उन बच्चियों को जो नाबालिग बच्ची थी उन्हें वहाँ पर घाटी में ले जाते। ना जाने और कितने ऐसे लोग हैं, पर ये जरूर कहेंगे कि होटल अब होटल कर्मी या होटल स्टाफ जो अब वो भी सतर्क होगा। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस बेड़ा उठाया है, लगातार आप देख रहे खंगालते होटल भी खंगाले जा रहे हैं और साफ तौर पर उन्हें हिदायत भी दी जाती है अगर आपके होटल में कोई भी अगर कमरा लेने आता या रहने आता उसकी पूरी जानकारी होटल को होनी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए ताकि आने वाले समय ऐसा ना कोई अप्रिय घटना हो, कम से कम ये पता तो जानकारी तो हो कि कौन है लोग और कहां से आए थे, पूरी जानकारी के आधार पर उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर जम्मू के रेजिडेंसी आ रही जहां पर एक युवक को दो बांग्लादेशी नाबालिग बच्चियों के साथ यानी मानव तस्करी के मामले में उन्हें हिरासत में लिया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, आपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।